अस्सलामुअलैकुम रुबीना हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबको दोस्तों फिर से वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे। आज का नुस्खा यकीनन आपको पसंद आएगा, मेरा आप सबको बताना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये नुस्खा ही कुछ ऐसा है। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जिनके फेस बिल्कुल खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, और इसके साथ साथ उनके फेस पे कोई दाने भी नहीं हैं, कोई धब्बे भी नहीं हैं, कोई छाइयाँ भी नहीं हैं, रंग भी गोरा है। और मसला क्या है? मसला ये है दोस्तों कि उनके फेस पे रौनक नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद जो है वो कुछ नज़र नहीं आता, रुका सूखा सा फेस उनका नज़र आता है, रौनक नहीं है मतलब। तो आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ इससे आपके चेहरे पे रौनक नुमा चेहरा नज़र आएगा, इतनी रौनक हो जाएगी कि चमक पैदा हो जाएगी जिसे देखकर हर कोई आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्या इस्तेमाल किया है। तो रौनक नुमा चेहरे के लिए आज मैं आपको देसी नुस्खा बताने जा रही हूँ, आपने नोट ज़रूर करना है और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना है। सब कुछ होने के बावजूद रौनक नहीं होती, रुखा सूखा सा होता है, पीला सा होता है, सफ़ेद ज़रूर होता है मगर पीला होता है। और उसके लिए रौनक नुमा चेहरे के लिए आपने क्या करना है, अंडे की जर्दी लेनी है, बादाम का तेल लेना है, लीमू लेना है, टमाटर लेना है, टमाटर का जूस लेना है और मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने आपस में मिक्सअप कर लें और अपने फेस पे लगाएं, देखिए आपके फेस पे कैसे रौनक आती है, बिल्कुल आप खुद हैरान हो जाएंगे। आपके फेस जो है वो आप ऐसा महसूस करेंगे वाकई कि ये मेरा चेहरा है बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, क्या करना है, बादाम आपने लेना है, बादाम के तेल, सॉरी आपने बादाम के तेल लेने हैं। बादाम का तेल लेने के बाद जो है इस तेल में आपने लीमू मिलाकर मिक्स करना है और रात को अच्छी तरह से मालिश करके सो जाना है। और इससे भी ये होगा कि आपके फेस पे रौनक आएगी, बिल्कुल चेहरा चांद की तरह चमक उठेगा और तमाम मसाइल हल होने के बावजूद ये मसला जो है रौनक नहीं है तो ये भी आपका मसला हल हो जाएगा। आपने ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करनी है और मुझे बताना है कि वाकई आपके फेस पे रौनक आई है कि नहीं। बिल्कुल गारंटी के साथ नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।